ये आकाशवाणी रायपुर ही छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग शुभ मिश्रा के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। केंद्र सरकार हा आम तौर मा प्रयोग होवैया 41 दवाई के कीमत मा कटौती करे हे। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर के डॉक्टर और छत्तीसगढ़ आर्मी पब्लिक वेलफेयर फाउंडेशन सामाजिक जागरूकता पर मिलके कर ही काम औ ए बछर दक्षिण पश्चिमी मानसून के केरल मा 31 मई के पहुंचे के संभावना है। अब समाचार विस्तार ले। केंद्र सरकार हा आम तौर मा प्रयोग होवैया 41 दवाई के कीमत मा कटौती करे हे। एमा मधुमेह हृदय और लीवर के बीमारी के इलाज मा इस्तेमाल होवैया दवाई शामिल है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारक प्राधिकरण के बैठका मा जरूरी दवाई ला सुलभ बनाए बर ए निर्णय लेगिस। बैठका मा फार्मा कंपनी मन ला निर्देश दे गए है कि ओमन आने आने दवाई के कम कीमत के जानकारी तुरते डीलर और थोक वितरक मन ला दे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नक्सल मोर्चा मा मिले अब तक के सफलता मा छत्तीसगढ़ सरकार के तारीफ करे हे। ओमन कहिन के राज्य मा भाजपा के सरकार बने के बाद पाछू 4.5 महीना मा 112 माओवादी मारे गए है। उहे लगभग 375 माओवादी मन हा आत्मसमर्पण करे हे। एकर अलावा 153 माओवादी गिरफ्तार करे गए है। श्री साय हा कहिन के डबल इंजन के सरकार नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती ले लड़ाई लड़त है। गृहमंत्री डहाले छत्तीसगढ़ सरकार के प्रशंसा करे मा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा श्री शाह के आभार जताई। अपन सोशल मीडिया हैंडल एक्स मा ओमन हा लिखे है कि केंद्र सरकार के कुशल मार्गदर्शन मा हम नक्सल समस्या के स्थायी समाधान डहार आगू बढ़त हन। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर के डॉक्टर और छत्तीसगढ़ आर्मी पब्लिक वेलफेयर फाउंडेशन सामाजिक जागरूकता पर मिलके काम करही। इस संबंध में फाउंडेशन के अध्यक्ष हरप्रीत सिंह और उपाध्यक्ष विशाल देशमुख हा एम्स के कार्यपालक निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अशोक जिंदल सेवानिवृत्त ले मुलाकात करी। ए बेरा मा सबो जन मिलके सामाजिक उत्थान बर आने आने क्षेत्र मा काम करे बर सहमति जताइन। फाउंडेशन हा एम्स के आने आने विभाग के संग मिलके स्वास्थ्य और रक्तदान शिविर लगाए के संग जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करे के प्रस्ताव घलो दिन जेल ला स्वीकार कर ले गए है। ए बेरा मा लेफ्टिनेंट जनरल श्री जिंदल हा बताइन की एम्स मा पूर्व सैनिक मन ला अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा कैशलेस दे जावत है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय हा आज अरपा नदी के संरक्षण मा लगाए गए आने आने जनहित याचिका मा सुनवाई करी। ए दौरान कोर्ट हा जिला प्रशासन बिलासपुर और गोरेला पेंडा मरवाहीला 26 जून के अरपा नदी के उद्गम और संरक्षण के एक्शन प्लान दिखाए बर कही। कोर्ट के निर्देश मा अरपा रिवाइवल कमेटी के बैठका मा जरूरी निर्णय ले गए है। जानबा के मुताबिक अरपा उद्गम बचाव संघर्ष समिति पेंडा डहल्ले संरक्षक राम निवास तिवारी बिलासपुर के अधिवक्ता अरविंद कुमार शुक्ल सोमनाथ यादव और अक्षय नामदेव हा बिलासपुर उच्च न्यायालय मा आने आने याचिका दायर करे रही। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापार डहाले ए बछर के राज्य पात्रता परीक्षा पर 13 मई ले ऑनलाइन आवेदन के प्रक्रिया शुरू हो गई है। परीक्षा में शामिल होए बर अभ्यर्थी व्यापम के पोर्टल में 9 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। 10 ले 12 जून तक त्रुटि सुधार करे जा सकी। राज्य पात्रता परीक्षा 21 जुलाई के संभावित है। ए परीक्षा पर छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी प्रतिभागी मन ले कोनो भी प्रकार के परीक्षा शुल्क नहीं ले जाही। सकती जिला के बंधन बैंक में फर्जीवाड़ा करैया कैशियर के खिलाफ पुलिस हा धारा 420 के तहत धोखाधड़ी के मामला दर्ज करे है। जानबा के मुताबिक कैशियर हा जीवित महिला के फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बना के बीमा क्लेम करे रहीस। एकरे संग 1.5 लाख रुपया के गबन घलो करे रहीस। फिलहाल कैशियर के गिरफ्तारी अब तक नहीं हुए है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो। छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचा था। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार। अब आगू बाढ़ बांची समाचार कोती। प्रदेश के आदिम जाति अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोराहा आज रायपुर के सड्डू स्थित प्रयास आवासीय विद्यालय के निरीक्षण करीन। ए मौका मा ओमन कहिन की नवोदय विद्यालय के तर्ज मा प्रयास विद्यालय ला विकसित करे जाही।
श्री बोरा हा भौतिक और रसायन विज्ञान प्रयोगशाला के संग लाइब्रेरी के निरीक्षण घलो करीन। ओमन हा छात्र मल्ला थ्योरी के संगे संग प्रैक्टिकल घलो कराए के निर्देश दिन। एकरे संग ओमन हा लाइब्रेरी मा सबो जरूरी किताब और कंप्यूटर के व्यवस्था करे बर कहिन। निरीक्षण के दौरान श्री बोरा स्कूल मा जेईई आईआईटी के संग प्रायोजित परीक्षा के तैयारी करत छात्र मन ले घलो मिलिन। एकर अलावा ओमन हा सड्डू मा 22 करोड़ रूपया ले ज्यादा के लागत ले बनत 750 सीटर आवासीय एकलव्य भवन के निरीक्षण घलो करीन। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस है। डेंगू बीमारी के लक्षण और बचाव के उपाय बर जन जागरूकता लाए बर प्रदेश भर में आने आने कार्यक्रम आयोजित करे जाते। इही कड़ी मा गौरेला पेंडा मरवाही जिला कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी हा जागरूकता रथ ला हरी झंडी दिखा के रवाना करी। ए रथ के जरिया रे जिला के लोगन मन ला डेंगू बीमारी ले बचाव बर जागरूक करे जाते। जिला स्वास्थ्य समिति डाहर ले राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रक कार्यक्रम के तहत डेंगू बीमारी के लक्षण और बचाव के बारे में बैनर पोस्टर ले जन जागरूकता रथला सजाये गये है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस मा आज जगदलपुर मा घलो जिला प्रशासन डाहर ले जागरूकता रैली निकालेगी। से दौरान लोगन मन ले डेंगू मलेरिया ले बचाव और उपचार बर सतर्क रहे के अपील करेगी। ए रैली मा अधिकारी कर्मचारी के संग नर्सिंग छात्रा मितानिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर और आम लोगन शामिल हुई। ए मौका मा कला जत्था दल डाहर ले नुक्कड़ नाटक दिखा के डेंगू मलेरिया ले बचाव के उपाय और उपचार संबंधी संदेश देगी। नारायणपुर में परिवहन संघ के सचिव और कांग्रेस नेता विक्रम बैस की हत्या के खुलासा पुलिस हा आज कर दे है। पुलिस के मुताबिक विक्रम बैस की हत्या पुराना रंजीश के चलत करे गए है। हत्याकांड में शामिल 6 आरोपी ले पुलिस हा हथियार के संग दुपहिया गाड़ी और मोबाइल फोन जब्त करे है। ए मामला में नारायणपुर दुर्ग रायपुर और बिलासपुर पुलिस हा बतायन की हत्या के बाद सीसीटीवी फुटेज के बारीकी ले जांच के दौरान एक संदिग्ध के पता चलिस जेखर ले पूछताछ के आधार में बाकी आरोपी मन की गिरफ्तारी करेगी। जानवा के मुताबिक नारायणपुर जिला के बखरूपारा मा पाछू 13 मई के विक्रम बैस के गोली मार के हत्या कर दे गई रहीस। आईपीएल क्रिकेट मैच मा सट्टा के रकम के लेन देन पर दूसर के नाव मा बैंक खाता खुलवैया 3 आरोपी ला रायपुर पुलिस हा गिरफ्तार करे है। जानवा के मुताबिक आरोपी मन हा अब तक लगभग 150 ले ज्यादा बैंक खाता खुलवाए है। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और गंज थाना पुलिस के संयुक्त टीम डहर ले अब तक ए मामला मा 16 आरोपी ला गिरफ्तार करे जा चुके है। ओखर तीर ले 12 लैपटॉप 60 मोबाइल 32 पासबुक 5 चेकबुक और 33 ATM कार्ड जब्त करे गए है। अब पेश है मौसम के हाल। ए बछर दक्षिण पश्चिम मानसून के केरल मा 31 मई के पहुंचे के संभावना है। आमतौर मा केरल मा मानसून जून के पहली सप्ताह में पहुंचते। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग डहर ले ए दरी देश मा मानसून के निर्धारित तारीख के पहली पहुंचे के संभावना जताई गई है। इसी बीच मौसम विभाग अवैया 24 घंटा के दौरान एक दो जगह मा हल्का वर्षा हो या गरज चमक के संग छीटा पड़े के संभावना जता है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण बिहार के ऊपर एक चक्री चक्रवाती घेरा बने है। एकर असर ले प्रदेश में काली एक दो जगह में गरज चमक के संग अधर चले और आकाशी बिजली गिरे के संभावना है। वर्षा के प्रमुख जगह दक्षिण छत्तीसगढ़ रही। उहे मौसम विभाग के अनुसार अवैया कुछ दिन में उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस के बढ़ोतरी होगी। आखिर में प्रमुख समाचार एक घो फेर। केंद्र सरकार हा आम तौर मा प्रयोग होवैया 41 दवाई के कीमत मा कटौती करे है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर के डॉक्टर और छत्तीसगढ़ आर्मी पब्लिक वेलफेयर फाउंडेशन सामाजिक जागरूकता बर मिलके कर ही काम और ए बछर दक्षिण पश्चिम मानसून के केरल मा 31 मई के पहुंचे के संभावना है। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।